हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका केरी लाइफ पर। चलिए फटाफट से एक बार बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया है, आई नो, सब लोगों की पीपीटी का काम हो रहा था। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दो और फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। साउंड आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग विकास सेठी। चलिए गुड इवनिंग दीपांशी, हैप्पी वाला गुड इवनिंग आपको भी प्रशांत। चलिए फटाफट से एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दो और हम क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज वैसे ही 11 हो चुके हैं, है ना। आई एम सॉरी सोमवीर, फाइन लगेगा कह रहे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे फटाफट से अब सेशन को शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करें। वीडियो को आप लोग देखो, साथ साथ में शेयर करते रहा करो और लाइक करते रहा करो, बोलने की जरूरत ना पड़े, और केडी लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। देखो सवाल आपसे पहले ये पूछा है कि भारत ने 106 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन किस देश को सौंपी है, ठीक है। इंडिया हैंडेड ओवर 106 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू विच कंट्री, ठीक है। 106 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन भारत ने किसे हैंड ओवर की है, किस देश को? ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया या फिर आपका भूटान, बताइए। गुड इवनिंग विजयपाल, सुजीत, कुंदन सिंह, वेरी गुड इवनिंग सभी को, बहुत 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 गुड इवनिंग। चलिए अब सवाल पे आ जाएंगे सभी। नेपाल किसने लिखा है? प्रथम दोषी ने, थैंक यू मनीषा। विजयपाल, विजयपाल गुड इवनिंग हो गया। नेपाल लिखा है विकास ने, भूटान जेपी स्वामी, और इच्छा का आंसर है नेपाल। चलिए बिल्कुल ठीक, सही जवाब क्या है आपका? नेपाल, ठीक है। नेपाल को जो है आपका भारत ने, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन सौंपी है, ठीक है, 106 किलोमीटर की, ठीक है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट है आपकी नेपाली रूपी, है ना। नेपाल की करेंसी क्या है? आपकी नेपाली रूपी। तो आपकी एनआरस में ही आपको हर जगह मोस्टली करेंसी मिलेगी। तो कितनी है? 10.40 बिलियन नेपाली रूपी जो है इसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसे भारत ने जो है तैयार किया है, ठीक। देखो इसे केपीटीएल, इसे सौंपा किसने है, हैंडओवर किसने किया है? केपीटीएल और आपका एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, ठीक है, इन्होंने जो है ये हैंडओवर किया है ट्रांसमिशन लाइन आपका किस देश को? नेपाल को जो है सौंपा है, ठीक है। एक्सिम बैंक से जो है आपका सॉफ्ट लोन लिया गया था इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, इस लाइन को डेवलप करने के लिए आपको एक्सिम बैंक से लिया गया। तो केपीटीएल और एक्सिम बैंक ने जो है ये ट्रांसमिशन लाइन जो कि 106 किलोमीटर की है, ठीक है, उसे सौंपा किसे? नेपाल को सौंपा, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। तो सही जवाब क्या है आपका? नेपाल। इंडिया ने जो है ये ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हैंड ओवर की है, और इस लाइन का नाम क्या है? कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाम भी आपको पता होना चाहिए, कोशी कॉरिडोर जो है आपका इस लाइन का नाम है, इतना आप याद रखेंगे। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिसेंटली हु हैज अप्रूव्ड 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। आपसे पूछा है कि हाल ही में देखो किसने जो है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अप्रूव किए हैं, ठीक। रामनाथ कोविंद, कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या फिर आपके अमित शाह, बताइए। बताइए सवाल के आप जवाब देंगे एक बार जल्दी से। नहीं विक्रम, मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाती हूँ फिलहाल। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग मुझे सवाल का जवाब दे देंगे। वेंकैया नायडू लिखा है, देवाशीष ने, शीश ने, कुंदन ने लिखा है मोदी, नायडू लिखा है विकास सेठी ने, अन्नू ने लिखा है सी मोदी। चलिए सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखो अभी आपकी जो कैबिनेट मीट हुई है उसे चेयर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और उसी मीट में जो है ये फैसला निकल कर आया, उसी कैबिनेट ने जो है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आपका 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को जो है अप्रूव कर दिया है, ठीक है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को जो है आपका अप्रूवल मिला है अभी वेंसडे को, ठीक है। अब जो है आपके 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अलग अलग स्टेट्स में सेटअप किए जाएंगे। अभी तक देखो आपके स्टेट्स जो है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ये 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो है कहाँ सेटअप किए जाएंगे, लेकिन 10 स्टेट्स हैं आपके जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि चाहते हैं कि इनके स्टेट्स में आपका ये टेक्सटाइल पार्क जो है
सेटअप हो, ठीक है। बेसिकली क्यों सेटअप किए जा रहे हैं टेक्सटाइल पार्क्स, ताकि जो आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सटाइल्स का, उसे बूस्ट मिले, उसे बढ़ावा मिले, है ना। हम खुद टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो टेक्सटाइल्स की, इसीलिए आपके ये टेक्सटाइल पार्क्स सेटअप किए जा रहे हैं, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि हर पार्क के लिए आपका ₹500 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। हर पार्क की डेवलपमेंट के लिए, फॉर ईच पार्क टोटल है आपके 7, ठीक है, टोटल है आपके 7, और हर पार्क के लिए आपका 500 करोड़ जो है दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल प्रशांत, अभी स्टेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आगे आके कहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पार्क लगाओ, ठीक है। चलिए जब अनाउंस किया जाएगा तो आपको करंट अफेयर्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच कंट्री हैज फाइल्ड कंप्लेंट ऑन द परचेज ऑफ इंडियाज मिसाइल सिस्टम S-400 रिसेंटली, ठीक है। देखो सवाल क्या है कि देखो अभी हाल ही में इंडिया ने जो है ये आपका S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा है, खैर चलिए मिस मैं एनिमेशन लगाना भूल गई हूँ। तो आपका सही जवाब क्या है, बिल्कुल आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए अमेरिका, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने आपत्ति जताई है, ठीक, कि भाई भारत ने जो ये S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है रशिया से, ठीक है, रशिया का मिसाइल सिस्टम है आपका ये, ठीक है, भारत ने खरीदा है, जिसके ऊपर यूएस ने जो है, अमेरिका ने जो है आपत्ति जताई है, ठीक है। हाँ अमेरिका ही है इसका आंसर, हंसो मत ऐसे, ठीक है। चलिए सही जवाब क्या है आपका, अमेरिका, ठीक है। अभी देखो आपकी वेंडी शर्मैन भी भारत आई थी, ठीक है, वेंडी शर्मैन जो कि यूएस डिप्लोमैट है, वेंडी शर्मैन भी जो है भारत आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि काफी, उनका कहना है ऐसा कि ये जो डील है ये काफी डेंजरस है, ठीक। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है आपका रशिया का है, ठीक है, इसे डेवलप कब किया गया था, 1990s में, बहुत पहले का आपका डेवलप हो रखा है, और 2000s में जो है आपका ये रशियन की आर्म फोर्सेज में जो है इस मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया, ठीक, और अब जो है भारत ने इसे परचेज किया, जिसके ऊपर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। ये आपकी न्यूज थी, तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, आपको मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फिश वाले ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल या फिर आपका असम, बताइए। इस सवाल ने आपसे पूछा है कि किस राज्य ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया है, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर आपका असम। चलिए मुझे जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप लोग, बताइए। चलिए सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन डी असम, ठीक है। जो भी असम लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। असम के जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने जो है ये आपकी फिश वाले ऐप लॉन्च की है, ठीक है। बेसिकली इस ऐप में आप जो भी आपका एक्वा कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो आप खरीद सकते हैं, फिश बेच सकते हैं, फिश से रिलेटेड कोई खरीदारी करनी है, ठीक है, तो आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। जो बेचने वाला है वो डायरेक्ट बेच सकता है, और जो खरीदने वाला है वो डायरेक्ट खरीद सकता है। जो मिड पर्सन होते हैं आपकी, उनकी जरूरत नहीं है इस ऐप में, इस ऐप का एक ये फायदा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐप जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, आपकी असम के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, और आपका किसने लॉन्च की है, असम के फिशरीज मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, और इसे डेवलप किसने किया है, एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वा कल्चर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। स्टेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और फिश वाले आपका ऐप का नाम है, और आपके आसाम के फिशरीज मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, बिल्कुल। एक ई मार्केट मिल जाएगा फिश को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसे क्या है लॉन्च किया गया है, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्वेच्छा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स, जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत आपसे पूछा है कि ये लॉन्च किसने किया है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आपका पश्चिम बंगाल, बताइए।
आंध्र प्रदेश, चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने जो है आपका ये स्वेच्छा प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश के जो आपके सीएम हैं, ठीक है, सीएम हैं जो आपके आंध्र प्रदेश के, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने जो है आपका ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या है भाई, हर महीने, ठीक है, हर महीने 7th से आपका 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे, कितने, 10 सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे, यानी एक साल में आपके 120 सैनिटरी नैपकिन्स जो है दिए जाएंगे स्वेच्छा प्रोग्राम के तहत, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो जो है आपका सैनिटरी नैपकिन्स देगा ओवर 10 लाख विद्यार्थियों को जो है, जो कि आपके 7वीं से 12वीं क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट आपकी लिखी है जो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है। 32 करोड़ का टोटल इसमें खर्चा आएगा, इन सैनिटरी नैपकिन्स का जो भी है, ठीक है, वो आपको 32 करोड़ है, और इन्हें इन बच्चों को फ्री दिया जाएगा ऑब्वियसली, जहां 120 नैपकिन्स आपके हर साल में मिलेंगे और महीने में आपके 10 सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम का ये भी कहना है कि हाइजीन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, लड़कियों के बीच में, है ना, लड़कियां जो हैं अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि छुट्टी कर लेती हैं अगर मेंस्ट्रुएशन से कोई प्रॉब्लम होती है, अक्सर ऐसा होता है, तो भाई इसी चीज को प्रमोट करने के लिए कि अगर आप हाइजीन का खास ख्याल रखते हैं और अगर क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स अगर आपके पास है, तो आप बिना किसी दिक्कत के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि किसने लॉन्च किया है और ये किस चीज के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपसे पूछा है हु हैज बिकम द हेड ऑफ पाकिस्तान ISI। देखो ISI का मुखिया कौन बना है पाकिस्तान का, फैज हमिद, नादिम अंजुम, कमर जावेद बाजवा या फिर जिया उल हक, बताइए। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत अच्छा प्रयास प्रयास आंध्र प्रदेश का, बहुत ही अच्छा प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पाकिस्तान का जो आपका ISI है, उनके हेड कौन बने हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड कौन बने हैं, ये आपसे सवाल में पूछा है। चलिए बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नदीम अंजुम, ठीक है। नदीम अंजुम जो है वो आपके नए हेड बने हैं, ठीक है। उन्होंने रिप्लेस किसे किया है, उन्होंने आपका रिप्लेस किया है फैज हामिद को, उन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आपसे पूछा है विच कंट्री हैज पुट द क्रू इन ऑर्बिट टू मेक द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस। देखो अभी हाल ही में जो है क्या है कि तीन लोग जो है भाई गए हैं स्पेस में फिल्म का शूट करने के लिए, पहली फिल्म बनाने के लिए जो है वो ISS गए हैं, ठीक। आपसे सवाल पूछा है कि किस कंट्री में ऐसा हुआ है, US, चाइना, UK या फिर आपका रशिया, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सवाल का जवाब, जल्दी जल्दी। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश ने चालक दल को कक्षा में स्थापित किया है, स्पेस में स्थापित किया है, ठीक है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत है। आपसे पूछा है कि विच कंट्री हैज पुट द क्रू इन ऑर्बिट टू मेक द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में पहली फिल्म बनाई जाएगी, ठीक है, उसके लिए क्रू जो है वो स्पेस गया है, कहां हुआ है ऐसा, कहां हुआ है, UK, रशिया, अलग अलग आंसर्स। सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन डी, रशिया, ठीक है, रशिया में जो है आपका ऐसा हुआ है, ठीक है। और उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जिसमें गए हैं, सोयूज, ठीक है, सोयूज जो है स्पेस क्राफ्ट का आपका नाम है, रशिया में ऐसा हुआ है। एक्टर का नाम है यूलिया पेरेसिल, ठीक है, और डायरेक्टर क्लिम शिपेनको जो है वो ट्यूजडे को ISS गए हैं, ठीक है, एक साथ, और उनके साथ जो है एंटोन प्लेरोव भी हैं, ठीक है, जो कि तीन स्पेस मिशन पर ऑलरेडी जा चुके हैं, इनके साथ गई हैं यूलिया पेरेसिल और क्लिम शिपेनको, ठीक है, ये लोग ISS गए हैं। और कहाँ हुआ है ऐसा आपका, रशिया में हुआ है, पहली फिल्म जो है वो आपकी शूट की जाएगी, सिर्फ अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सही, सोयूज, जेड, ज, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। पूरा नाम है आपका सोयूज MS-19, पूरा नाम है आपका सोयूज MS-19 है, सोयूज आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पूरा नाम सोयूज MS-19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि इंडिया हैज ज्वाइंड TRWD प्रोग्राम ऑफ सेशल्स। आपसे पूछा है कि सेशल्स कहाँ है आपका,
किस सागर में स्थित है आपका, ये आपसे पूछा है, अरेबियन, कैरेबियन, बेरेंस या फिर रेड सी, बताइए कहाँ है आपका सेचल्स, कहाँ है सेचल्स का जो है TIWB प्रोग्राम जो है उसमें भारत ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपसे पूछा है कि किस सागर में स्थित है, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। अरे भी लिखा है एंजल, गीतांजलि। चलिए सही है बिल्कुल प्रशांत, आपका भी बिल्कुल आंसर सही है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अरेबियन सी में जो है आपका सेशल्स है। ठीक है, ये जो आपका TIWD इनिशिएटिव है सेचल्स का, ठीक है, TIWD जो इनिशिएटिव है, ठीक है, सेचल्स का, वो 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, वो आपका 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 12 द फोकस ऑफ द 12 मंथ प्रोग्राम विल बी ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस ऑफ टूरिज्म एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स, द कंट्री विल बी प्रोवाइडिंग इट्स टैक्स एक्सपर्ट इन सपोर्ट ऑफ द इनिशिएटिव। ठीक है, भारत की तरफ से जो है टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा इस इनिशिएटिव की मदद के लिए। इनिशिएटिव का नाम क्या है, TIWB। ठीक है, और ये लॉन्च किसने किया है आपका, सेचल्स ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, सेचल्स ने इसे लॉन्च किया है, इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ये प्रोग्राम TIWB। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन इंटरफेरेंस काउंटर मेजर्स एक्ट, किस देश ने विदेशी हस्तक्षेप काउंटर उपाय अधिनियम पेश किया है। ठीक है, देखो बेसिकली एक्ट क्या है कि किसने लॉन्च किया है आपका, सही जवाब है सिंगापुर, सिंगापुर ने इसे लॉन्च किया है। सिंगापुर नहीं चाहता कि बाहर का कोई देश आकर इंटरफेयर करे उनकी किन्हीं पॉलिसीज में, किसी भी डोमेस्टिक पर्पस में जो है कोई भी बाहर की कंट्री आकर क्या है इंटरफेयर करे, ये सिंगापुर नहीं चाहता। और इसी के लिए जो है किस कंट्री ने ये फॉरेन इंटरफेरेंस काउंटर मेजर्स एक्ट निकाला है, आपका सही जवाब क्या है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने आपका ये एक्ट निकाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, फॉरेन इंटरफेरेंस नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन इंटरफेरेंस काउंटर यानी फॉरेन इंटरफेरेंस को काउंटर करने के लिए जो है आपका ये एक्ट निकाला गया है, ताकि बाहर से कोई भी आपके डोमेस्टिक मसलों में, इंटरनल मैटर्स में क्या है, इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। जल्दी जल्दी सभी बताएंगे कि सरकार ने 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। ठीक है, 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर आपका जम्मू कश्मीर, बताइए। चलिए, कौन है ये ऑफिशियल ऑफिसर, क्या लिख रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा, इंग्लिश लिख रहे हो तो सही से लिखो। चलिए हाँ बिल्कुल सही, जो भी दिल्ली कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाई आज मेरा दिन अच्छा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए दिल्ली, में एनिमेशन डालना ही भूल गई हूँ आज, दिल्ली। ठीक है, ऑफ कोर्स दिल्ली के जो आपके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लॉन्च किया है आपका ये 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। ट्वीट करके भी इन्होंने 10 सूत्रीय प्लान की जानकारी दी। देखो बेसिकली क्या है कि आपका अभी विंटर्स आ रहे हैं ना, अभी देखोगे आप दिवाली के आसपास के टाइम पर पंजाब और हरियाणा में जो है आपकी पैडी की स्टबल जो है बर्निंग होती है, जलाया जाता है, तो उससे जो धुआं और जो डस्ट निकलती है वो आपका, उसकी वजह से भी दिल्ली में काफी पोल्यूशन होता है ना। तो इसके लिए जो है आपका क्या है, पोल्यूशन को रोकने के लिए बेसिकली जो है आपका ये 10 पॉइंट जो एक्शन प्लान है वो निकाला है किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, है ना। जैसे कि आपका स्मोक टावर लगवा दिया है, ठीक है, पटाखों पर बैन है, अब आप दिवाली पर पटाखे नहीं भाई जला सकते हो। ठीक है, फिर भी मुझे अपने घर के आसपास कुछ लोगों की आवाजें आती है जो पटाखे फोड़ रहे होते हैं, मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, है ना। चलिए तो और देखो आपका एक पूसा इंस्टीट्यूट ने जो है, जो पूसा इंस्टीट्यूट है आपका, जो आपका दिल्ली में है ना, उन्होंने जो है एक डीकम्पोजर जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे इन्वेंट किया है, वो निकाला है। तो बेसिकली ये जो डीकम्पोजर होता है, अगर आप इन्हें फसलों पे छिड़केंगे, ये जो सोल्यूशन है इसे अगर आप फसलों पे छिड़केंगे तो आपको फसलों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये डीकम्पोजर ऐसा है और दिल्ली ने खुद इसी डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया है
तो इसमें भी अपील यही है केजरीवाल की कि जो पंजाब और आपके हरियाणा स्टेट है जहां पर पैडी क्रॉप्स आपकी जलाई जाती हैं, अभी आने वाले टाइम में जलाई जाएंगी, तो अगर इस डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाता है तो पोल्यूशन इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एक कौन है, ये ऑफिशियल ऑफिसर आज नहीं मानेंगे, क्या लिखा है कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 पॉइंट एक्शन प्लान है। ठीक है, जिसे लॉन्च किसने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO है ये, WHO हैज रिसेंटली अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर विच डिसीज। ठीक है, पहली वैक्सीन डिस्कवर की है, अप्रूव की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, किस डिसीज के लिए ये आपसे पूछा है, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया या फिर टीबी। हाँ जी है अजय जोरिया, बिल्कुल है। किसने, सुरेंद्र कह रहे हैं कि पटाखों के बिना दिवाली का क्या मजा, ये एक बार अपनी मम्मी को कह के देखना, फिर जो पटपट होगी आपको जरूर मजा आएगा, आई एम श्योर। चलिए चलिए, बिल्कुल ठीक, सही जवाब क्या है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी हाल ही में पहली वैक्सीन जो है अप्रूव की है। ठीक है, नाम क्या है, ठीक है, सही जवाब क्या है आपका, मलेरिया। ठीक है, WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है WHO के। ठीक है, उन्होंने जो है मलेरिया की वैक्सीन क्या है अप्रूव कर दी है। वैक्सीन का नाम क्या है, RTS-SA-S01। ठीक है, और अगर वैसे अगर आपसे पूछा रहा है तो मॉस्क्यूरिक्स भी आप इसे कह सकते हैं, मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी है ये वैक्सीन। ठीक है, और इसे बनाया किसने है, GlaxoSmithKline। ठीक है, GSK करके आपने देखा होगा इसका लोगो भी। ठीक है, GSK जो कि आपकी UK बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, वो आपका उन्होंने जो है इसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब। बस WHO ने अप्रूव किया है मलेरिया की आपकी वैक्सीन है, नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स, दूसरा नाम आपका RTS-SA-S-01। ठीक है, मलेरिया की वैक्सीन है और इसे डेवलप किसने किया है, GlaxoSmithKline GSK जो कि आपकी UK बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, ये लो, एक जी मध्य प्रदेश भी आए हैं, जाधव सर। नेक्स्ट पर चलिए, आ जाइए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच कंट्री इज गोइंग टू मेक $1 trillion कॉइन, बताइए कौन सा देश है, विच कंट्री इज गोइंग टू मेक $1 trillion कॉइन, $1 trillion का सिक्का बनाने जा रहा है एक देश, जिसका सही जवाब है USA। फिर से मैं कह रही हूं, मेरा दिन ही खराब है आज फिर से आंसर लिख हो रहा है। चलिए, सही जवाब क्या है आपका, USA। ठीक है, देखो आपका ये कॉइन जो है ये अभी से नहीं चलता रहा है, बहुत पहले से है आपका ये। ठीक है, ये कि भाई आपका कॉइन जो है $1 trillion का आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पहले आया था, पहले 2011 में आया था ये कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, फिर उसके बाद री इंट्रोड्यूस हुआ ये कॉन्सेप्ट आपका 2020 में, और अब 2021 में फिर से भाई जो बाइडन ने कहा है कि आपका $1 trillion का एक सिक्का जो है वो बनाया जाएगा। कौन बनाएगा उसे, आपका US जो है डेवलप करेगा। प्लैटिनम का आपका ये सिक्का रहेगा। ठीक है, प्लैटिनम का आपका ये सिक्का रहने वाला है, कितना, $1 trillion का सिक्का, सोचो जरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बायोवीवर बर्ड पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड इन इंडिया, विच इंस्टीट्यूशन हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। आपसे पूछा है कि भारत में बायोवीवर पक्षी की आबादी में गिरावट आई है, इसकी जानकारी किस संस्थान ने दी है, IUCN, BNHS, WWF या फिर UNEP, बताइए।
मनोज सिंह लिखते हैं व्हाट इज योर नेम गुरप्रीत, क्या कहूं मैं, BNHS प्रथम दोषी ने लिखा है और गीतांजलि ने लिखा है। बताइए बताइए, बिल्कुल सही है, ठीक है। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फुल फॉर्म है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आपके, मुंबई में है BNHS के, 1883 में आपका ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो देखो BNHS ने अभी काउंट किया है बायोवीवर बर्ड पॉपुलेशन का, और उन्होंने ही ये चीज कही है कि आपकी जो बायोवीवर की पॉपुलेशन है वो क्या है, उसमें भारी गिरावट आई है, ठीक है। ये बताया किसने है आपको, आपका BNHS ने आपका ये बताया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितना सुंदर पक्षी है। संख्या कम क्यों हो रही है आपकी, वही सेम कंसर्न है आपके, सेम इश्यूज हैं जो खत्म नहीं हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक। चलिए है शशांक, है क्वेश्चन ऑफ द डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोबेल प्राइज किसे मिला है फिजियोलॉजी के लिए, बताइए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। चलिए डेविड जूलियस, आर्डम पटापोटिन, डेविड मार्क या फिर दोनों को मिला है, बताइए। क्यों नवल सेनी, आपकी थोड़े चुरा के लगाती हूं, हद है। बताइए भाई, गुड इवनिंग सत्यम राजपूत, बहुत चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। डेविड जूलियस और आपका आर्डम पटापोटिन को जो है मिला है द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है, हैज डिसाइडेड टू अवार्ड 2021 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। दो लोगों को मिला है, आप लोग जानते हैं मैक्सिमम तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है ना, किसे मिला है, डेविड जूलियस और आपका आर्डम पटापोटिन को जो है मिला है, ठीक है। इन्होंने टेम्परेचर और टच के लिए रिसेप्टर्स डिस्कवर किए हैं, इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। दो नाम याद रहेंगे, डेविड जूलियस और आपका आर्डम पटापोटिन, बिल्कुल याद रहेगा। पटापोटिन जितना अजीब सा नाम है, थोड़ा अजीब नहीं तो थोड़ा अलग सा नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है, अब्दुल रजाक गुरनाथ, बी एस नागपाल, चेतन भगत या फिर रॉबर्ट। चलिए चलिए बताइए बताइए जल्दी जल्दी, अब्दुल रजाक गुरनान गुरना सॉरी गुरना है, गुड इवनिंग बिमलेश, रॉबर्ट शांग रॉबर्ट लिखा है। चलिए सही जवाब क्या है, देखो लिटरेचर के लिए किन्हें मिला है, अब्दुल रजाक गुनाह को जो है आपका मिला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लिटरेचर में किसे मिला है आपका, अब्दुल रजाक गुनाह को मिला है फॉर हिज बेसिकली देखो इन्होंने जो है Uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of refugees in the Gulf between cultures. देखो जो गल्फ नेशन से आपके, ठीक है, उनके इन्होंने ऐसी बुक्स पब्लिश करी इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला है, अब्दुल रजाक गुना को मिला है, ठीक है। इनके जो एफर्ट्स हैं कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स को एक करने के, ठीक है, बेसिकली उसी लिए इसी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आपसे पूछा है कि लेंथ शेयर कितना है नेशनल हाईवेज का, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का हिस्सा कितना है, 2.10, 1.19%, 2.19% या फिर 2.39%, बता दो। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, आपसे पूछा है कि लेंथ शेयर कितनी है नेशनल हाईवेज की, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का हिस्सा कितना है, बताइए।
जल्दी जल्दी क्या आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी। नेशनल हाईवे का लेंथ शेयर कितना है? 2.10%। नहीं, सही जवाब है आपका 2.19% आपका लेंथ शेयर है नेशनल हाईवे का। ठीक है, अभी अभी आपका एक आर्टिकल आया है द हिंदू का, जिसमें मेंशन था कि 2.19% जो है आपका नेशनल हाईवे का टोटल, अगर हम बात करें टोटल रोड नेटवर्क नेशनल हाईवे का कितना है, 2.19%। ठीक है, बाकी डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे आ जाओ, आपसे पूछा है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, इमैनुअल चारपेंटियर या फिर बोथ ए एंड बी, बताइए। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है बताइए। अनीता ने लिखा है ए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए। प्रशांत लिखा है बोथ, बिल्कुल सही, सही जवाब क्या है आपका? बोथ। ठीक है, आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को जो है मिला है। ठीक है, दोनों ने क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं और दोनों एक जैसे हैं, लगभग मिरर इमेजेस जैसा मान लो आप। ठीक है, दोनों ने मॉलिक्यूल्स जो है डेवलप किए हैं, बेसिकली केमिस्ट्री में दोनों साइंटिस्ट को मिला है आपका बेंजामिन लिस्ट और आपके डेविड मैकमिलन को जो है केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? साइकुरो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन, जियार्जियो पेरिस पेरिसी या फिर तीनों को मिला है, बताइए। प्रशांत ने लिखा है, प्रशांत ने क्या लिखा है, चला गया प्रशांत का आंसर, बताइए। ऑल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तीनों को मिला है। ठीक है, तीनों को आपका फिजिक्स में मिला है, ध्यान रखेंगे, साइकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और आपका जियार्जियो पेरिसी। ठीक है, तीनों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2021। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे आपका कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? देखो, नोबेल प्राइज के लिए ना एक थोड़ा अलग से सेशन लेकर आएंगे, जिसमें अच्छे से करेंगे डिस्कस करके। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप नाम याद रख लें और फील्ड याद रख लें कि किस फील्ड में मिला है, कितने लोगों को और किन्हें मिला है। When is World Cotton Day observed? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 या फिर आपका 8 अक्टूबर, बताइए कब जो है आपका World Cotton Day ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल है। और लिखा है इच्छा ने, अच्छा पिछले वाले का बिल्कुल ठीक है, 7 लिखा है प्रथम ने, काफी स्टूडेंट्स 7 लिख रहे हैं, विकास ने 7 7 7 और फिर 8, चालाकी। चलिए भाई, बिल सही लिख रहे हैं काफी बच्चे। चलिए देखो, सही जवाब क्या है आपका, वर्ल्ड कॉटन डे, बिल्कुल सही, आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपका 2019 से वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता रहा है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया था? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जिनेवा में जो है इसका उद्घाटन किया था कि भाई वर्ल्ड कॉटन डे भी आपका मनाया जाए। ठीक है, 7 अक्टूबर हर साल जो है आपका वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है ना, बेसिकली कॉटन के एडवांटेजेस को जो है और हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आपका ये दिन वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एपिडा ने जो है देखो हाल ही में पहला खेप भेजा है। ठीक है, जैकफ्रूट और जयफल से कुछ आपके जो है मूल्यवर्धित उत्पाद है जो इनसे निकाले गए हैं, उन्हें भेजा गया है आपका इसमें से एक कंट्री। ठीक है, पहला खेप, पहला कंसाइनमेंट जो है वो भेजा गया है, एपिडा ने भेजा है। आपसे पूछा है कहाँ भेजा है?
भारत से भेजा है, ठीक है, भारत से कहां भेजा है ये पूछा है आपसे, बताइए। कॉटन, चलिए कोशिश रहेगी। रजनीकांत कुमार सेन, यूके, यूके शशांक लिखा है, और ऑस्ट्रेलिया सोमवीर, और कौन है अन्नू ने, बिल्कुल सही, सही जवाब क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। देखो पहला खेप आपका केरला से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है, ठीक है, ठीक है, पहला कंसाइनमेंट जो है, ठीक है, आपका जैकफ्रूट, पैशन फ्रूट और जयफल से के कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो इनसे बने हैं, ठीक, वो भेजे गए हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, एक साल की होती है, मतलब आप एक साल तक जो है चला सकते हैं, एक साल तक खराब नहीं होंगे, शेल्फ लाइफ यही मतलब होता है, ठीक है। तो पहला कंसाइनमेंट भेजा गया है, ठीक है, थ्रिसूर केरला से मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है, किसने भेजा है आपका, एपेडा ने, है ना, कल भी हमने पढ़ा था, है ना, आपका एपेडा ही सारा एक्सपोर्ट का काम जो है, जो भी अगर कुछ एक्सपोर्ट करना होता है ना, नाम में ही एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपका एपेडा है, ठीक है, उन्होंने ही एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कल का आपका जो क्वेश्चन था भाई, कि आपसे पूछा था कि दुनिया भर में मशहूर हस्तियों की वित्तीय संपत्ति को उजागर करने वाला वाले कागजात का नाम क्या है, ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा था, हाँ जी, तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही लिखा था, द पेंडोरा पेपर्स, सबने यही लिखा हुआ था, द पेंडोरा पेपर्स, बिल्कुल सही था, ठीक है। पेंडोरा पेपर्स जो है आपका बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बताता है, चाहे आपके सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, आपके कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी जो है पेंडोरा पेपर्स ने बताया है, ठीक है। आईसीआईजे ने जो है बेसिकली ने रिलीज किया है ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये बेसिकली देखो आपका मीडिया हाउस ऑफ जर्नलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं, है ना, जो छुपाए जाते हैं बेसिकली, जो बताते नहीं है, जो छुपा के रखे होते हैं किसी को पता ना चले, ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रहेगा कि नाम क्या है उन पेपर्स का, द पेंडोरा पेपर्स, ठीक है, सही जवाब क्या है आपका, पेंडोरा, और जिसने पनामा लिखा था ना वो आपका 2016 का था, ठीक है, वो 2016 का था, किसी ने पनामा पेपर्स भी लिखा था, तो आपका सही जवाब क्या है, द पैंडोरा पेपर्स। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में देखो हु हैज कट द जीडीपी आउटलुक ऑफ इंडिया टू 8.7%, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% की कटौती की है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, आपको ये बताना है कि किसने की है, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे, कल आपका सैटरडे है, हाँ हाँ कल बिल्कुल मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे टुमारो 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, आप लोग आंसर कर देंगे फटाफट से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कल मिलेंगे अब हम लोग, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ करंट अफेयर्स ही कराते हैं, चलिए कल अब हम लोग मिलेंगे 4 बजे, तब तक सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, चलिए बाय।